सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है, जो कि आपके बी फार्मा थर्ड सेम का एक टॉपिक है। एंड अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें कि हम आप लोगों को लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग इसके आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे एंड इसके हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। तो आप प्लीज़ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ई स्टडी फार्मेसी। ओके, ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है और इसी से हमारा टेलीग्राम पेज भी बना हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारे ही नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट होगा जैसे ही तो आपको मिलते जाएं, ठीक है। अब हम आपसे बताना चाहते हैं कि हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ को आपको क्यों देखते जाना चाहिए अपने एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। ओके, बिकॉज हम आपको ऐसे ही ये क्वेश्चंस की सीरीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने PCI, ठीक है, PCI के सिलेबस को रिव्यू किया हुआ है और जो भी यूनिवर्सिटी PCI के सिलेबस को फॉलो करती हैं उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज हमने सारी ही यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिव्यू किया है और उसके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उसको हमने लिया है। साथ ही साथ और भी जो क्वेश्चन हैं उनको हमने लिया है जिसकी पॉसिबिलिटी है आने के चांसेस, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये आपकी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की ही सीरीज़ होने वाली है। लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है वीडियो, तो उसकी अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, देन व्हाट इज टेंडल इफेक्ट, इसको आपको समझाना है। एंड नेक्स्ट वन इज राइट द नेम ऑफ बैक्टीरिया विच आर डिस्कवर्ड बाई जॉन स्टेंडर। ओके, आफ्टर दैट डिफाइन द टर्म पॉस्चराइजेशन। ये देखिए, ये एक प्रोसेस था जो कि लुईस पॉस्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ये डिस्कवर किया हुआ था। ये बेसिकली क्या था, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क के लिए आया था और इसको हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे जब हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उस समय, ठीक है। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है फिफ्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी, देन डिफाइन द टर्म माइक्रोबायोलॉजी, देन एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पॉस्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो बेसिकली इनका कॉन्ट्रीब्यूशन वही था, क्या था, पॉस्चराइजेशन, ये जो था, ठीक है। देन ड्रा अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, और इसके बाद फिर से हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस सीरीज़ का, दैट इज़ डिफाइन IMBIC टेस्ट। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन स्टलाइजेशन एंड नेम द इक्विपमेंट यूज फॉर द लार्ज स्केल स्टलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट डिफाइन स्टैनिंग एंड इट्स टेक्निक्स, ठीक है। देन गिव द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड मोल्ड। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है वो क्या है, गिव द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियो स्टैटिक एंड बैक्टीरिया साइडल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। देन डिफाइन ऑब्लिगेंट एनरोबीज, आफ्टर दैट डिफाइन द टर्म टोटल एंड वेरिएबल काउंट। ओके, देन डिफाइन TEM एंड SEM, यानी टैम सेम, ठीक है। देन राइट द प्रिंसिपल ऑफ फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपका 7 मार्क्स में पूछा गया है अगर आप AKTU से हैं, अगर आप UPETU से हैं तो इसको 5 मार्क्स में भी पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन माइक्रोबियल स्पॉयलेज एंड प्रोडक्ट इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है। देन व्हाट इज द सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शंस, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सॉल्ट्स। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी ज़रूर देखने हैं, अदरवाइज
स्टडी फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आपको लॉन्ग प्लस सॉल्व क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है। तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपके जो 75 to 80% क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे और 100% आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। और बैक की तो नौबत आने वाली ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप सॉल्व लॉन्ग की सारी ही सीरीज़ देखिए, और इन सारे क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया है, तो जाके आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है तो मैं इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, और उसके बाद उसके भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे PDF फॉर्म में टेलीग्राम में, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।